नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर अधिकारियों की मेहरबानी वाले लोगों को मिला सम्मान। उपखंड प्रशासन द्वारा गुरुवार को खेल स्टेडियम में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होने वाले कई शख्स उनके उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर नहीं बल्कि अधिकारियों की मेहरबानी से सम्मानित हुए। ऐसे कई अधिकारी व कर्मचारी हैं जिन्हें प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। वही जनता में चर्चा है कि उन्हें ऐसे कौन से उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया है। इस सवाल का विभाग के अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर करीब 71 लोगों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उपखंड प्रशासन द्वारा खेल में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं करने पर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद प्रदेश अध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया कि खेलों में वाल क्षेत्र के होनहार खिलाड़ियों ने इंडिया लेवल पर मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा प्रतियोगिता में कराना निवासी चेतन दहिया ने गोल्ड मेडल जीता। वह जोधपुरा निवासी चेतन यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं कई ऐसे स्कूल जिनके 97% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को भी सम्मानित नहीं किया गया, इससे प्रतिभाओं का मनोबल गिरा है। जबकि उपखंड प्रशासन द्वारा 75% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सम्मानित किया गया है, जिससे लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर SDM डॉक्टर लक्ष्मीनारायण बुनकर ने बताया कि हमने सभी विभागों से उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं की जानकारी मांगी थी, फिर भी अगर भूलवश कोई प्रतिभा रह गया तो उसे अगली बार सम्मानित कर दिया जाएगा।